यहाँ पर एक दादाजी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। आप देखिए कि नंगे पांव चल रहे हैं यात्रा में, और इनके हाथ में कुछ पोस्टर है और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस ठंडी में जब तापमान, हमने जूते पहन रखे, हमने जैकेट पहन रखी हो, यहाँ पर सभी के पैर में जूते नजर आएंगे। अगर जूते ना हो पैर में तो ठंड लगने का भी डर रहता है। और उस ठंड में भी देखिए कि नंगे पाँव चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये संघर्ष? किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, इन सबके लिए कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। दलित की हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया, इसकी वजह से दादा ने ये संकल्प लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर कोई अपनी अपनी बात पहुंचाने के लिए यहां यात्रा में शामिल हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर नौजवान हो, हर कोई यात्रा में आ रहा है और वो अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपनी अपनी बात को रख रहा है। यहाँ पर एक दादाजी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। आप देखिए कि नंगे पाँव चल रहे हैं यात्रा में, और इनके हाथ में कुछ पोस्टर है और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है। दादाजी बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, लिखा हुआ भी है द साइलेंट फाइटर, और कुछ लोग यहाँ पर हमें खड़े हुए दिखाई दिए। नोटबंदी, पीड़ितों का संविधानबद्ध आंदोलन, और इसके बाद में यहाँ भी देखिए संघर्ष का सिलसिला। आप लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, क्या कुछ आपको समझ में आया? दादाजी ने क्या कुछ बताया या इशारों से, या आप यहाँ पर खड़े थे, क्या जानकारी आपको हासिल हुई? समझ तो कुछ नहीं आया, पढ़ के आ रहा, समझ जो आ रहा है ये पढ़ रहे हम जो ना, नोटबंदी से रिलेटेड ही है कुछ। बताइए थोड़ा पढ़ के हमारे दर्शकों को, क्या कुछ समझ में आ रहा है, या यहाँ जो लोग खड़े हैं अगर उन्हें समझाना हो, बताना हो, तो कैसे आप बताएंगे, समझाएंगे? यही जो नोटबंदी की है उन्होंने, ये ठीक नहीं किया, ये बता रही, इसमें ये लिखा हुआ है ये सब। यहाँ पर दोस्तों मैं ये जो पोस्टर है ये मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है संघर्ष का सिलसिला, और उसके बाद में 8 लिखा हाइफन नोटबंदी। आप देख रहे होंगे, विमुद्रीकरण के लिए दिए गए सभी कारण पहले से ही झूठे और दिखाव साबित हुए हैं। तो इस नोटबंदी को असंवैधानिक रूप से किसने और क्यों थोपा? इस कपटपूर्ण प्रयोग के पीछे क्या है? उसके पीछे जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दादाजी ने लिखी हुई जी, ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ दादाजी बता रहे हैं, गरीब मेहनती असंगठित श्रमिका के पुराने नोट रुपए 500 के लिए 500 रुपए, 1000 के लिए 1000 की तरह यदि संभव हो तो हमारे अपने श्रम के साथ बदले। और यहाँ पर देखिए ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि मुझे नहीं आती पढ़नी। अच्छा, दादाजी कुछ इशारों से बता रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी पर ये सभी लोग क्या सोचते हैं। और कांग्रेस अक्सर घेरती आई है नोटबंदी के मामले पर, जीएसटी के मामले पर, कि अगर ये फैसला सही है, हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को तो सही साबित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खड़ी आम पब्लिक क्या सोचती है इस फैसले के बारे में, और जो दादाजी की मेहनत है उस पर इन सभी लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, यहाँ इनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो सर दादाजी ये जो सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, क्या लगता है ये जो संघर्ष है किस लिए है? यह तो ठीक है बोल रहे हैं, नोटबंदी तो बिल्कुल गलत है। जो गरीब लोग वो तो लाइन में जिन्होंने मैडम ने या जानी ने 500-500, 200-1000 रुपये रखे थे सिरहाने के नीचे, वही बेचारे बदल दिए, उनके बाद रहा क्या है नहीं, बड़े बड़ों के तो बदले नहीं उन्होंने, वो कितने बार फेंके गए नीचे समुद्रों में, देखे नदियों में, देखे नालों में, देखे वो जिनमें जिनको बदले गए वो रातों रात बदले गए, यानी उन पे तो कोई असर हुआ नहीं, गरीब लोगों को ज़्यादा असर हुआ इसका। तो यहाँ पर तमाम सारे लोग आप देखेंगे तो भीड़ लग गई है, सभी लोगों की नज़रें जो हैं वो दादाजी की तरफ टिकी हुई हैं। हालांकि कोर्ट ने तो नोटबंदी के फैसले को सही साबित कर दिया है, लेकिन आम जनता क्या उस फैसले से स्वीकार करती है, उस फैसले से खुश है या नहीं? यहाँ पर देखिए, क्या पीने का पानी बेचने की चीज़ है? सत्याग्रह 2005 से अनशनकारी मौन सत्याग्रही, तो आप मौन पर हैं, बोलते ही नहीं हैं आप, लगातार 2005 से मौन पर हैं। अच्छा जी, तो हमें इशारे में ही फिर बताते रहिए आप। और यहाँ पर भी देखिए, इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पीने के पानी को बाजार की चीज़ बनाना जिंदगी के खिलाफ जाने वाली तहजीब है। जाहिर सी बात है कि हाँ, पीने के पानी को लेकर के तमाम समस्याएं आती हैं, और जल ही जीवन कहा जाता है, और उसी जल को कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यापार बनाया जाता है। क्या लगता है कि दादाजी की बात जो है वो सही है? इनको पूछो यार, यही तो बात है कि यहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता, हर कोई मौन रहता है, किसी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, पीने का पानी जो है उसको जो व्यापार बनाया जा रहा है, सौदेबाजी की जा रही है उस पर? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो ये भी निकल कर आते हैं जो दादाजी की बात को सही बताते हैं, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा रास्ता इधर से खाली कर दीजिए आप सभी लोग। आप बताइए सर, पीने के पानी को लेकर के यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं दादाजी, पता नहीं सभी देखे यहाँ से सब पीछे हट गए हैं, कोई भी आगे नहीं आता है, कोई भी बोलता नहीं। इसी तरीके से जब कोई संघर्ष करता है तो अकेला पड़ जाता है अपने रास्ते में, उसे अपनी मंजिल शायद इसीलिए नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर खड़े 100-150 लोग, अगर वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर समर्थन करें, 2005 की ये भी रिपोर्ट है। और यहाँ पर भी देखिए साइलेंस, एक मिनट, बोटलिंग वाटर के खिलाफ यहाँ भी देखिए प्रदर्शन की बात कही जा रही है, और यहाँ पर बोतल ली हुई, ये आप ही की तस्वीर है, 2005 की तस्वीर है, द हिंदू की ये कटिंग है। देखिए दोस्तों, और किन किन चीज़ों को लेकर के आप फाइट कर रहे हैं सर? पीने का पानी, नोटबंदी, दो चीज़ें, ये 2012 की है, 11 अक्टूबर की। तो यहाँ यात्रा में आए हैं, आपकी मुलाकात राहुल जी से हुई है अभी तक या नहीं? अभी तक नहीं हुई है। किसी भी कांग्रेस के नेता से मुलाकात हुई है? किसी से नहीं हुई है, किसी से भी नहीं हुई है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कि यहाँ पर एक हमारे दादाजी हैं जो बुज़ुर्ग हैं, इस ठंडी में जब तापमान, हमने जूते पहन रखे, हमने जैकेट पहन रखी हो, यहाँ पर सभी के पैर में जूते नज़र आएंगे, अगर जूते ना हो पैर में तो ठंड लगने का भी डर रहता है। और उस ठंड में भी देखिए कि नंगे पाँव चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये संघर्ष, किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, इन सबके लिए कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई आपके समर्थन में नहीं आ रहा, आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में समझेंगे, आज नहीं तो कल आएगा समझ में। क्या कुछ समझ में आ रहा भैया आपको, जो चीज़ें हैं जिन जिन मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब कुछ जनहित के लिए हो रहा है। जो भी इन्होंने मुद्दे उठाए ना, ये आम आदमियों के लिए हैं सारे, गरीब लोगों के लिए। जनहित में मुद्दे उठाने वाला व्यक्ति अकेला पड़ गया है। देखिए ये बात भी आप ठीक बोल रहे हैं, अकेला तो पड़ गए हैं, पर देखो अब लोग आ ही गए हैं, समझेंगे आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा, मैं एक एक करके अगर सभी से बात करता हूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। क्या मैं ये जान सकता हूं कि इनमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो दादाजी के समर्थन में हैं, नोटबंदी को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं दादाजी? आपकी बात को हम जानना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन हाथ उठाता है। देखिए यहाँ पर सबने हाथ उठाया, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन्होंने भी हाथ उठाया, जिससे दादाजी एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, इनके चेहरे पर खुशी आ गई है कि बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता है वो भी हाथ उठा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग इतनी सारी फाइलें, इतने सारे कागज, इतनी सारी कटिंग लेकर के चल रहा है तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो, या हो सकता है कि नहीं ये भी ना समझ में आता हो। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी बच्चे के हाथ उठाने पर सब तालियां बजा रहे हैं, और इन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर दादाजी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, बातचीत हो सकती है? चलिए कोई बात नहीं। आप में से कौन बातचीत कर सकता है इस मुद्दे पर? कौन ऐसा है जो बोलना चाहता है? क्या कोई है यहाँ पर? शायद कोई नहीं है यहाँ पर, बोलने के लिए कोई भी रेडी नहीं है यहाँ पर। सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे कोई मदारी वाला आया हो, खेल दिखा रहा हो कि सभी अपने अपने खेल देख के घरों को चले जाएंगे। दादाजी क्या लिखा है इसमें? मैं तो इतना पढ़ा नहीं हूँ दादाजी। से उर्दू में अगर आपको थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी आता हो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे आप दो मुद्दों को लेकर, नोटबंदी और पीने का पानी, क्यों थोपा गया? ठीक है, दो चीज़ें हैं, नौ मुद्दे, तो और बाकी के मुद्दे? आठ नोटबंदी से रिलेटेड हैं, आठ सवाल, और एक सवाल पीने के पानी को लेकर के है। और मैं नहीं समझ पाया सर, अगर क्या यहाँ पर कोई और समझ पाया है? पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं दादाजी। विकास 5 दलित वेयर किल इन 2002 इन हरियाणा। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक पेपर है, और ये कोई मैगजीन है दादाजी ने दिखाई है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है आई डोंट वेयर चप्पल बिकॉज 5 दलित वेयर किलेट इन हरियाणा इन 2002। तो यहाँ पर आप देखिए दलित की हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया, इसकी वजह से दादा ने ये संकल्प लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे, यही बात है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दादाजी की बात है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और आपने क्या कुछ समझा, जो मुद्दे हैं वो कितने कारगर हैं, और इन पर आपका कितना सहयोग है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दादाजी की बात में जो इनकी सोच है, जो भविष्य को लेकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितनी सही है और कितनी गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएँ। अच्छा,
दादाजी की ये देखिए जो पढ़ाई है, एमए कर रखा, एक बार ज़रा दिखाना, फोकस करना इस पर, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। तो दादाजी एक बात बताइए कि मौन धारण करके लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं आप, और 2005 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। सभी लोगों को समझ में आ गया? पूछ लेते हैं, क्या समझ में आया दादा? नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी के बारे में है, पीने के पानी के बारे में। पीने के पानी के बारे में है। इन सभी से अच्छे तो आप निकले, क्या बात है। यहाँ पर बाकी लोग जो है वो बोलने से भी इनकार कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, हमारा छोटा भाई, और इसने बताया कि किन मुद्दों पर लेकर के दादाजी यहाँ पर हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।